तो देखिए दोस्तों किस तरह से फॉर्म भरना है हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। देखिए एप्लीकेंट नेम में आपको एज पर आधार जो है आपको लिखना होगा। देखिए आधार है, आधार के अनुसार ये फॉर्म जो है कि भरा हुआ है। अब देखिए मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार लिखिएगा। और उसके बाद देखिए सारा डिटेल्स जो है, एक एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट और एक परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है। उसके बाद देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये हो गया स्थानीय निवासी होने का आधार। तो आपको लिखना होगा आवेदक इनमें से किसी एक दावे में राइट चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र के का एक होता है झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत वर्षों खतियान में दर्ज हो भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी जो झारखंड में प्रचलित भाषा संस्कृति परंपरा पर आधारित है। तो ये होगा। और देखिए डिक्लेरेशन देख लीजिए, डेट लिखिएगा, प्लेस लिखिएगा और यहाँ सिग्नेचर। देखिए पूर्व पृष्ठ पर दावे के समर्थक में आवेदक की घोषणा, देखिए एक नंबर में लिखा हुआ है कि आपके माता पिता पूर्वज झारखंड के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त है। तो लिखा हुआ है हाँ कि आपके माता पिता पूर्वज का नाम खतियान के में दर्ज है, तो हाँ सही में दर्ज है। तो ये आप उन आवेदक का खतियान वगैरह देख के या उनको पूछ के आप लिख सकते हैं। क्या आपके माता पिता पूर्वज भूमिहीन है, तो यहाँ लिखा हुआ है नहीं। क्या आप झारखंड में प्रचलित भाषा संस्कृति परंपरा से अवगत हैं, तो जी हाँ। तो हाँ पे टिक किया हुआ है कि आप स्वयं अथवा आपके माता पिता राज्य सरकार के कर्मी हैं, तो एकदम नहीं। ठीक है, छठवां नंबर भी देखिए, क्या आप एवं स्वयं अथवा आपके माता पिता सरकार के कर्मी हैं अथवा राज्य में पदस्थापित है, तो नहीं। सातवां देखिए, क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक विधिक पद पर आसीन है, तो नहीं। क्या आपका जन्म झारखंड राज्य क्षेत्र में हुआ है, यदि हाँ तो हाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए हाँ क्या हुआ, क्या आपने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया है, तो यहाँ टिक किया हुआ है नहीं, क्योंकि ये जो प्रिया महली है वो नहीं किए हैं। और क्या आपने स्वयं अथवा उसके माता पिता झारखंड राज्य में विगत 30 वर्षों से रह रहे हैं और अचल संपत्ति अर्जित की है, तो हाँ। देखिए यह हो गया, जांच प्रतिवेदन को छोड़ देना है। क्या यह है आवश्यक प्रमाण पत्र का अंतिम पेज, झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु प्रतिज्ञा का प्रपत्र। देखिए यहाँ आपको नाम लिखना है, मैं, उसके बाद पिता या पति, और ग्राम में अपना लिख दीजिएगा, पोस्ट, थाना। फिर यहाँ देखिएगा एक स्थानीय निवासी और कर्मी प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 3196 दिनांक 18/4/2016 की कंडिका 2 की उपकंडिका 1 जो हम आपको पहले दिखाए थे, तो उसमें एक लिख देना है बस दोस्तों। आप देखिए यहाँ सिग्नेचर, नाम और आधार संख्या, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा ये आपका वंशावली हो गया, कुर्सीनामा जिसको कहते हैं, इसका कुर्सीनामा सीधा सीधा बनाया हुआ है। जैसे दिलमोहन का बेटा सोमा, सोमा का पुत्र एतवा और एतवा की पुत्री जो है वो है, देख लीजिएगा। और यही कुर्सीनामा में जो है आपका मुंडा जी का सिग्नेचर होगा। तो चलिए।